सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर रांझा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोशॉप में एक्शन कैसे और कैसे काम करता है, फोटोशॉप में एक्शन कैसे बनाया जाता है, एक्शन क्या चीज़ है, एक्शन के क्या फ़ायदे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कौन कौन से एक्शन हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक प्रीमियम मतलब लोकल साइज की फ़ाइल ले ली। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा अंग्रेज़ी में, बल्कि उसका फॉन्ट हमारा रोबोटो नहीं, कुछ और है। अच्छा जी, अब मैं इसे कहता हूँ कि इसको रोबोटो करके बड़ा कर दे, मतलब मैं बेसिक यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट टू दबाया, उसने रोबोटो भी कर दिया, उसको बड़ा भी कर दिया। तो अब इस तरह से मेरा ये जो काम है आसान हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये वाली फ़ाइल या कोई और फाइल, मिसाल के तौर पर मैं अभी आप करके दिखाता हूँ, ये वाली कोई भी फाइल मैं चाहता हूँ इसको अब, क्योंकि ये फाइनल है हमारी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, इसको फाइनल के फोल्डर में डाल दे, इसी तरह अच्छी रेजोल्यूशन में जेपैक फॉर्मेट जो कि हम आगे प्रिंटर को भेजते हैं। तो उसके लिए आप ये देखें कि मैंने F4 प्रेस किया, अब ये चीज़ जो है हमारी आप देखेंगे के फाइनल प्रिंटिंग में आ गई है। इसी तरह आप ये देखें कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो कुछ चीज़ है, कुछ भी डिज़ाइन है हमारा, लाइक ये डिज़ाइन है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये उस फोल्डर में जाए जिसमें हम क्लाइंट को चेक करवाने के लिए रोज़ एज फाइल देते हैं। तो मैंने एक और एक्शन अप्लाई किया, ये उसने कहा जी सेव करनी है, मैंने कहा जी करनी है, तो सेव हो गई फाइल। अब इसके बाद आप यहाँ जाके देखेंगे जो हमारा चेकिंग का है, यहाँ पे ये फाइल आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्शन बनाए जा सकते हैं। एक्शन को बनाने के लिए हम, जाहिर बात है, मैं आपको सिर्फ तरीका बेसिक बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर आपका कोई सवाल हुआ तो मज़ीद इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे विंडो में आप एक्शन को ढूंढेंगे, Alt F9 के मतलब शॉर्टकट है इसकी, यहाँ से एक्शन आ जाते हैं। ये हमारे पहले ऑलरेडी बहुत सारे मेरे रूटीन में एक्शन बने हुए हैं जिनसे मेरा काम घंटे वाला काम 2 मिनटों में, जैसे क्लाइंट आता है हम बगड़ मगड़ करके उसको पकड़ा देते हैं। तो उसके लिए आप ये देखें कि आपने यहाँ से न्यू सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये देखें, यहाँ से न्यू सेलेक्ट करना है, एक्शन का नाम रखना है, कुछ भी आप एक्शन बना सकते हैं। उसके लिए आप की रख देंगे, F8 हमने रख दी, Ctrl F8 के साथ काम करेगी, रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद ये जो अब हम काम करेंगे, हमारे इस काम को ये प्रॉपर कर देगा। मिसाल के तौर पे आप कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जाहिर बात है मिसाल ले रहे हैं, आपका ये कुछ साइज है, सही है गलत है वो बात की बात है। इसमें आप कुछ थोड़े थोड़े वो लगाना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हैं आप इस तरह से वो सारा काम करेंगे। आप देखें हमने एक बॉक्स लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। तो अब ये हमने जो कुछ किया, अब इसके हम कलर वगैरह बढ़ सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, जो मर्जी हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो हम कर रहे होते हैं। अब हमने ये सारा काम, क्योंकि एक थीम में करना होता है, तो हमें फाइल सेव है या पुरानी फाइल लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा करने के बाद अब मैं उसे कह रहा हूँ कि इस फाइल को सेव करके आ डेस्कटॉप पे 1 के नाम से। अब उसने फाइल को 1 के नाम से सेव कर दिया, फाइल बंद कर दी, और उसके बाद हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, साइज लगाएंगे, या बल्कि साइज हमने एक्शन में लगाया था, हाँ जी मेक हमने किया था, तो हम सिर्फ यहाँ से Ctrl Shift 8 करेंगे, बस अभी एक्शन अप्लाई हो रहा है। उसने वो सारा कुछ कर लेने के बाद फाइल बंद भी कर दी है, तो ये उसी की अब की बनाई हुई फाइल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें, अब यहाँ पे कोई ऐसी फाइल मौजूद नहीं है। अब मैं यहाँ से Ctrl Shift 8 करता हूँ, उसे कहता हूँ Ctrl Shift 8 था गालबन, गलत दबा दिया हमने कुछ, और ये उसने दगड़ मगड़ किया, सारा कुछ खुद कर रहा है सिस्टम। और आप ये देखेंगे यहाँ पे ये वाली फाइल बन के तैयार है। फाइल को दोबारा आप देखिए, मैं डिलीट करता हूँ, अब यहाँ पे किसी तरह की कोई फाइल मौजूद नहीं है। यहाँ पे आते हैं, Ctrl 8 दबाते हैं, उसने वो सारा कुछ वो खुद ही कर रहा है, उसने कर दिया फाइल सेव कर दी है, फाइल यहाँ पे पहुँच गई है आपकी। अब इसके अंदर आप, जारी बात है, 2-3 एक्शन मिला के यूज़ करके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके तो अपने काम में आसानी ला सकते हैं। इसका प्रीमियम एक्शन बना के भी आप इनको सेल कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइटों पे सेल हो जाते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। लेकिन आप काम की आसानी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें मेरे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जिनमें मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो, मेरा सबसे पहले फॉर फाइनल प्रिंट का एक एक्शन है, चेकिंग गीक का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है,
उसके अलावा जी टेक्स्ट टी का ऑप्शन है, उसमें हमारा वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट कर देता है। ये एक और तरह से है, उसको मैं सेव एज वो जो मतलब मेरे काम के हिसाब से बहुत सारे एक्शन बने हुए हैं इसमें, आज हमने ये दो तीन एक्शन बनाए हैं। तो ये एक्शन यहाँ से डिलीट हुआ, हमारे किसी काम का नहीं है, बेसिक डिज़ाइन का भी हमारा कोई काम नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए किया था सारी बातें। तो सर ये है बेसिक एक्शन। मज़ीद अगर आप फोटोशॉप के बारे में एडवांस लेवल पे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इंशाल्लाह जो क्लासेस का सिलसिला है वो अभी ट्रैफिक जमा नहीं हो रही यार, कुछ लोग होंगे, चार लोग देखें तभी है ना। अब ऐसे बंदा दो चार बंदों के लिए वीडियो बनाए तो फिर मज़ा नहीं आता। जैसे चैनल पर इंशाल्लाह रश आता है थोड़ा, दो चार लोग छः लोग कुछ मुझे पता तो चले ना भी दो चार लोग वाकई में मेरी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।